अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी ओरियो डिज़र्ट बॉक्स की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले 3 पैकेट्स ओरियो के ले लें। अब ये मेरे पास तकरीबन 18 ओरियो बिस्किट्स हैं। अब मैं बिस्किट को खोलकर इसकी क्रीम नाइफ की मदद से सेपरेट कर लूंगी। ये सारी क्रीम मैंने सेपरेट कर ली है, अब हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। अब इन ओरियो बिस्किट्स को मैं सिंपली ग्राइंडर में डालकर क्रश कर लूँगी। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब इन ओरियो क्रम्स को किसी फ्लैट बाउल में डाल दें। इसको इवनली स्प्रेड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लें। अब मैं इसको हाफ आवर के लिए रेफ्रिजरेट कर दूंगी। सेकेंड लेयर तैयार करने के लिए मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया और इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर लूंगी। इसको इतना बीट करें कि ये डबल हो जाए और इसमें सॉफ्ट पीक्स बनने लगे। अब इसमें ओरियोस की क्रीम जो हमने सेपरेट की थी वो डाल दें और इसको फिर से बीट कर लें। अब 4 से 5 ओरियो के बिस्किट जो मैंने छोटे पीस कर लिए हैं उसको डाल दें और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लें। अब मैं इस क्रीम के मिक्सर को बिस्किट की बेस के ऊपर डाल दूंगी। अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से इवनली स्प्रेड कर लूंगी। इसकी लुक को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप 1 इंच के बटर पेपर के स्ट्रिप्स काट लें। अब मैं स्ट्रिप्स को इसके ऊपर डायगोनली अलाइन कर दूंगी। इस चीज का ख्याल रखें कि आपकी स्पेस बिल्कुल इक्वल हो। अब थोड़े से ओरियो बिस्किट्स की मैंने क्रम्स बना लिए हैं, मैं इनको इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। अब आप इन स्ट्रिप्स को केयरफुली 1 by 1 करके रिमूव कर दें। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इस पर स्लोली वर्क करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। अब इसको 3 से 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। ज़बरदस्त सा ओरियो डेजर्ट बॉक्स हमारा तैयार है। अब मैं आपको इसको काट कर दिखाऊंगी। अब आप इसको बनाकर एंजॉय करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।